दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले और ऐसे में जो लगातार कोशिशें हैं कि किसी तरीके से इसको कम किया जाए, लेकिन राजधानी दिल्ली में अलग अलग तस्वीरें देखने को भी मिल रही है। इसके साथ साथ एक तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये रिंग रोड पर इस तरीके की व्यवस्था है। यानी दिल्ली पुलिस ने ये व्यवस्था एम्बुलेंस के लिए एक लाइन बना दी गई है, यानी बाकायदा एम्बुलेंस की एक लाइन बनाई गई है जहाँ से एम्बुलेंस तुरंत बिना रुके जाएंगी, क्योंकि जो बैरिकेडिंग की है एम्बुलेंस को एक सीधा पैरेलल रास्ता, यानी किसी गाड़ी के पीछे नहीं रहना होगा, सीधा रास्ता जाना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ लगी है। आप देखें, जो गाड़ी यहाँ से जिसको जल्दी में जाना है उसको रोक कर वापस भेजा जा रहा है, सिर्फ एम्बुलेंस यहाँ से निकलेगी। ये एम्बुलेंस एक लेन तैयार किया गया है, हर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर एम्बुलेंस के लिए खासी व्यवस्थाएँ की गई हैं, क्योंकि लगातार जो हैं एम्बुलेंस की संख्या जो है सड़कों पर ज़्यादा है। वजह यही है कि जो मामले हैं कहीं ना कहीं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके की परेशानी कहीं ना हो उनको, ऐसे में एहतियातन एम्बुलेंस के लिए ये कदम उठाए गए हैं। एक तरफ बैरिकेडिंग है, वहाँ जांच चल रही है क्योंकि लॉकडाउन भी है, ऐसे में जो कहा गया है कि बेवजह घर से ना निकलें और जो ज़रूरी हैं वही घर पर घर से बाहर आएंगे और उसके अलावा नहीं आएंगे, और ऐसे में जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर वो देखी जा रही है कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो मूवमेंट यहाँ से दे रहे हैं। एक बैरिकेडिंग आगे है, वहाँ से भी लोग मूवमेंट दे रहे हैं, यानी तस्वीर यही है कि एक कोशिश है कि एम्बुलेंस को बिना रुके रास्ता दिया जाए, और उसके लिए एक लेन की शुरुआत, यानी एक रास्ता बनाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। ये अलग अलग जगहों पर है, ये रिंग रोड के पास है, ऐसे कई जगहें हैं जहां दिल्ली पुलिस ने इसी तरीके की लाइन की व्यवस्था की है ताकि एम्बुलेंस को बिना रुके कहीं से भी जाने दिया जाए, और जिस तरीके से वो जाम में रहती है वो स्थिति देखने को ना मिले। ये तस्वीर है दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जहाँ इस तरीके की व्यवस्था की गई है। कैमरा सन अलीकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।